सरायकेला खरसावां जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र स्थित डांगरडीह सामुदायिक भवन में पड़ी गिट्टी को नगर परिषद प्रबंधन ने जब्त कर लिया। कपाली नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन कपाली नगर परिषद में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया। इसके तहत डांगरडीह स्थित सामुदायिक भवन में अवैध तरीके से रखे एक हाइवा गिट्टी को जब्त कर लिया। साथ ही उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि नगर परिषद क्षेत्र में स्थित अवैध तरीके से रखे गिट्टी एवं बालू को जब्त कर लें। जहाँ तहाँ पड़े बालू और गिट्टी नगर परिषद क्षेत्र की स्वच्छता खराब कर रहे हैं। इसके अलावा कार्यपालक पदाधिकारी ने डांगरडीह सामुदायिक भवन स्थित अटल क्लिनिक का निरीक्षण किया, जहां एनएम ने बताया कि वहां किसी प्रकार की दवा की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण कई मरीज बगैर दवा के वापस लौट जा रहे हैं। मैंने निर्देश दिया है कि सभी का लिस्ट बना ले नाम के साथ, और सभी को हम लोग नोटिस करेंगे और फाइन करेंगे। सफाई चल रही है, उसी का निरीक्षण करने आए थे, और निरीक्षण के क्रम में मैं अटल क्लिनिक में घुसा। अटल क्लिनिक में मैंने दो एएनएम को पाया है, लेकिन एएनएम के पास में कोई दवा नहीं है। तो मैं अभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखूंगा, उनसे दूरभाष पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल नहीं लगा। लेकिन अभी मैं पत्र लिख के उनको सूचित करूंगा कि कल से यहां पर दवा रखना सुनिश्चित करें, ताकि कपाली की जनता को सुविधा मिल सके, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मिल सके। जैसे यहाँ देख वो चिप्स अवैध है, उसको हम लोग जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो पता नहीं चला किसका है, और पता चलेगा तो उनको हम लोग फाइन उछलेंगे। जी ये है, यहाँ एक स्वास्थ्य बने आपका चलता है, जो अटल क्लिनिक चलता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और ये अटल क्लिनिक तो अभी चल रहा है, बट हम लोग के पास अभी कोई दवा नहीं है, और डॉक्टर भी रेगुलर यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है। वो भी सप्ताह में एक दिन आते हैं। क्या दवा तो हम लोग का ये नहीं है, तो हम लोग ऑफिस से ही मिलना है, जो भी दवा है वो ऑफिस से ही अवेलेबल किया जाता है। जो भी जैसे ये एक्स्ट्रा क्लिनिक है, ये तो हम लोग का ओपीडी की तरह है, तो ये आपका ऑफिस से ही हम लोग को दवा अवेलेबल होता है। तो फिलहाल अभी तक तो हम लोग को नहीं मिला है, यहाँ हम लोग के पास नहीं है। जब अभी दवा नहीं रहने की स्थिति में हम लोग पेशेंट को यही बोल देते कि अभी हम लोग के पास कोई मेडिसिन नहीं है, हम लोग का यहाँ ड्यूटी पड़ा, बस हम लोग अपना ड्यूटी टाइम में अपना ड्यूटी करते हैं, फिर हम निकल जाते हैं। सूचना हम लोग प्रभारी, हमारे जो प्रभारी है उनको हम लोग दे चुके हैं। कौन प्रभारी? हमारे प्रभारी है चांदिल के ये डॉक्टर सोमेन शेखर हंसदा। क्या नाम है आपका? क्या नाम बताइए। मेरा नाम अर्चना है। मार्च को मैंने वैक्सीन लिया था यहाँ पर, अभी काफी टाइम हो गया, जब आते ये बंद ही रहता है। कितने बार भी हम आए, मुझे कभी भी पता चलता है, जैसे वैक्सीन के लिए दो तीन बार आए तो वो बोले ठीक है रजिस्टर में आपका चेक करके बताएंगे, और इसके लिए बहुत परेशानी है ड्यूटी छोड़ के आना। जैसे मेरा जॉब कोलकाता में, वहाँ से मुझे बार बार आना पड़ता है वैक्सीन के लिए, क्योंकि फर्स्ट डोज का हमारा जो भी है रिपोर्ट में आया नहीं है, मैसेज आया नहीं, जिसके कारण हम कहीं और भी डोज ले नहीं सकते। तो यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। 3 से 4 मरतबा हम अभी इस हफ्ते में विजिट कर चुके हैं, और पिछले हम 3 महीने से 4 महीने से दौड़ रहे हैं। अभी तो जो कांटेक्ट हुआ मैडम ने बताया कि अभी डोज पहुंचा नहीं है, तो ये तो काफ़ी डिले है, 10 बजे टाइम रहता है, डोज पहले आ जाना चाहिए आदमी के आने से पहले, तो डोज बाद में आ रहा, आदमी पहले आ रहे, तो काफ़ी प्रॉब्लम है, समस्या है। तो इसको देखते हुए आप लोग जो भी है करिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जसीम है। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।